राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है एक और जहां आचार संहिता के दौरान प्रदेश में उन्नीस हजार पदों के लिए हो चुकी परीक्षाओं का परिणाम जारी होने की उम्मीद है तो वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अगले एक साल में चवालीस हजार पदों के लिए अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने की कवायद में जुटा है बड़ी बात यह है कि इस बार पेपर लीक और डमी कैंडिडेट जैसे रैकेट से बचने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने मास्टर प्लान तैयार किया इस मास्टर प्लान को जानने के लिए हमारे संवाददाता ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज से खास बातचीत की है क्या कुछ कहा है देखिए आप राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज हमारे साथ मौजूद हैं आलोक जी नई परीक्षाएं नई चुनौती एक तरीके से एक साल में चवालीस हजार के आसपास जो है भर्तियां होनी है जिस तरह का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है राजस्थान में पिछले कुछ सालों में पेपर लीक का क्या रोड मैप आपका रहने वाला है क्या फुल प्रूफ योजना इन पेपर्स के लिए इन एग्ज़ाम के लिए आप बना रहे हैं जय हिंद मैं पहले बता तो हूँ वैसे ऑन दी ऑन मीडिया डेट कि हमने कई सारे एक्शंस किए हैं कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि पेपर लीक ना हो उसमें जो प्रमुख दो तीन जो तरीके हमने अपनाए हैं वो हैं कि एक से ज़्यादा सेट बनाना पेपर का और उनको सेट्स को ट्रेजरी और हो सके तो आगे सेंटर तक ले जाना और लास्ट मिनट में डिसाइड करना कि कौन सा वाला पेपर बच्चों को दिया जाएगा अभ्यर्थियों को दिया जाएगा यानी कि सस्पेंस बना रहेगा और मोर देन वन सेट्स विल बी प्रिपेयर्ड तो ये एक बहुत प्रमुख हमने एक इनिशिएटिव लिया था जो कि बहुत सफल रहा हमने आठ परीक्षाएं करवाई थी जनवरी से मार्च के बीच में और uh, मुझे खुशी इस बात की कि, कि, कि किसी भी परीक्षा में किसी तरह की कि कि कोई सूचना इस तरह की नहीं मिली पेपर लीक किया से संबंधित इसके अलावा हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है और वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने का सी कराने का सी का जो मेन मुख्य फ़ायदा होता है वो ये होता है कि सी से जो पेपर है वो सेटर पेपर सेटर से या कंट्रोल रूम से सिर्फ आधे पौन घंटे पहले सेंटर्स पे पहुंचता है वो भी एनक्रिप्टेड होता है और बस सिर्फ दो मिनट पहले वो टर्मिनल्स के ऊपर मिलता है बच्चों के कंप्यूटर टर्मिनल्स पर या नोट्स के ऊपर तो यानी कि उस पर पेपर लीक की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है क्योंकि पेपर सिर्फ आधे घंटे पहले पहुँचता है सेंटर में वो भी एरकरप्टिड होता है और वो पेपर कंप्यूटर पर आता है लेकिन इसमें एक कमी थी और वो ये थी कि कंप्यूटर्स के अंदर आ, कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि जो कंप्यूटर है वो हाईजेक हो जाता है उसको बोलते हैं रिमोट एक्सेस और कोई अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहा है जयपुर में लेकिन उसका पेपर कोई सॉल्व कर रहा होता है बॉम्बे में या रशिया में या दुबई में ऐसा कुछ सुनने में आता है कहाँ तक ये बात सच है इसका मुझे कहना उचित नहीं होगा लेकिन चूंकि एक समस्या थी उसको तो निपटने के लिए हमने हमने एक हाइब्रिड सिस्टम अपनाया है यानी कि हमारे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे वो हाइब्रिड होंगे उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी पेपर कंप्यूटर पर आएगा लेकिन अभ्यर्थी जो सॉल्व करेंगे वो एम आर शीट पर करेंगे जैसे पहले चलता था यानी कि पेपर कंप्यूटर पर और सवाल का जवाब ओ एम आर शीट के ऊपर यानी कि कंप्यूटर के ऊपर जो रिमोट एक्सेस की जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी इससे पेपर लीक को भी हम रोक सकते हैं और कंप्यूटर की जो एक कमी जो आमतौर पर बोलने में आती है कि वो रिमोट एक्सेस होगा वो नहीं होगा तो ये दो हमने प्रमुख एक्शन किए थे इसके अलावा हमने और भी कई सारे इनिशिएटिव ले थे यानी कि अभ्यर्थी जब आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में वो एक घंटे पहले सेंटर को बंद कर देते हैं और उस टाइमिंग्स ऑफ ब्रिंगिंग द क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम ट्रेजरी टू दी सेंटर ये भी हमने टाइमिंग किया था ताकि जब सब अभ्यर्थी चले जाते हैं सेंटर के अंदर उसके बाद ही पेपर वहाँ पर पहुँचे और पहले चार या या छः सेंटर पर कोऑर्डिनेटर एक होता था हमने उसको कम करके दो पर कर दिया था और अभी आगे हमारा प्लान है उसको एक सेंटर पर एक डिप्टी कोऑर्डिनेटर होगा यानी कि क्वेश्चन पेपर पूरे टाइम में देख रेख में रहेगा और उसकी अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दिया जाएगा यानी कि जो संभावना है पेपर लिख कई बार सेंटर में सुनते थे वो भी नहीं होगी कौन कौन सी परीक्षाएं सर अभी होने वाली हैं एक साल में जून तक और क्या सभी परीक्षाओं के लिए एक ही तरह का मास्टर प्लान है या अलग अलग स्ट्रेटी होगी तो अभी करीबन इकतीस परीक्षाएं हैं जो कि होने वाली हैं जनवरी तक उसमें से तो बीस एक परीक्षाएं तो सिर्फ कनिष्ठ अनुदेशक की हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर की इसके अलावा एनिमल असिस्टेंट या एनिमल पशु परिचर वो काफ़ी बड़ी परीक्षा है दो सी परीक्षाएं हैं जो कि स्नातक स्तर की हैं और ट्वेल्थ स्तर की हैं एल परीक्षा है स्टेनो परीक्षा है और महिला अधिकारिता हॉस्टल सुपरटेंडेंट इस तरह की कई सारी परीक्षाएं हैं और करीबन 30 परीक्षाएं मेडिकल डिपार्टमेंट से आने वाली हैं जिनके अर्थात हमें मिल चुकी है कुछ क्वेरीज हैं वो चल रही हैं वो नेशनल हेल्थ मिशन की परीक्षाएं हैं करीबन 30 हैं तो इस तरह से काफ़ी सारी परीक्षाएं हैं तो हमारा जो रोड प्लान है जो हमारा रोड मैप है वो एक मिक्स्ड है मिक्स बैग है जिसमें सी प्लस ओ एम आर शीट यानी हाइब्रिड सिस्टम होगा और ओ एम आर बेस्ड होगा डिपेंड करता है कि कितनी नफरी है कितनी संख्या है आवेदकों की या कितने बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम के अंदर जहाँ पर आवेदक कम होंगे वो परीक्षाएँ सी बी टी एम आर बेस में कराई जाएंगी जहाँ पर आवेदक ज़्यादा होंगे वो ओ एम आर बेस पर होंगी लेकिन जो मैंने बताया कई तरीके अपनाए जाएंगे ताकि हमेशा लास्ट मिनट तक सस्पेंस रहे कि कहाँ पर पेपर आ रहा है कौन सा पेपर आ रहा है और किसका पेपर आ रहा है एक आखिरी सवाल सर पिछली कई जो पेपर लीक हुए उनमें सिस्टम के भीतर से भी लूफ होते थे और मिली भगत की कई तरह की बातें सामने आई क्या आप युवाओं को आश्वस्त करते हैं कि इस तरह की अब कोई परेशानी उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने वाले जैसे कई सिस्टम के अंदर जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के साथ साथ उनको रोकने का भी पूरा आपके पास प्रबंध रहेगा जी बिल्कुल मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ युवाओं को और आवेदकों को कि ऐसा कोई भी मौका नहीं आएगा जबकि इनसाइडर एक्शन के वजह से पेपर लीक हो वैसे बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जिसमें हज़ारों लोग इसको पेपर बनाने वाले बहुत लोग होते हैं पेपर छापने वाले बहुत लोग होते हैं तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है पेपर ट्रांसपोर्टेशन होता है फिर पेपर ट्रेजरी से जाता है बच्चों के पास में सेंटर जाता है तो लंबी प्रक्रिया में लू पोल तो केवल होते हैं लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि सारे लू को हम प्लग करें यदि आप किसी आवेदकों से बात करें जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनसे पता करें तो आपको पता लगेगा कि जो पेपर की पैकिंग है हमने इतने सारे मल्टीपल लेयर में उसकी पैकिंग की हुई है कि यदि कोई पेपर को निकालने की कोशिश करता है प्रिंटिंग प्रेस से लेकर और आखिरी समय तक जब पेपर बच्चों के पास जाता है तो कोई संभावना ही नहीं कि हमको बताना पड़े जब पता पड़ जाएगा फिर हम उसको चेक कर सकते हैं प्रॉब्लम जब होती है जब पेपर लीक हो जाए बताना पड़े या उसको छुपा लिया जाए बच्चे सेलेक्ट हो जाए और ज्वाइन कर लें सबसे खतरनाक वो है यदि पता पड़ जाए कि पेपर लीक हुआ है कहाँ से हुआ है किसने चोरी की है निकाला है उस पर हम फिर उसके करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं जहाँ तक इंसाइडर का सवाल है तो आश्वस्त रहें कि ऐसा कभी कोई नहीं होगा जबकि कोई इंसाइडर उसमें कुछ कर सके क्योंकि सारा जो कंट्रोल होता है वो चेयरमैन के पास होता है और मुझे उम्मीद है कि सभी अभी बच्चे जो हैं वो भरोसा करते हैं हमारे ऊपर उनके भरोसे को तोड़ा नहीं जाएगा बातचीत के लिए शुक्रिया सर और चूंकि आलोक राज आर्मी बैकग्राउंड से हैं मेजर रिटायर आप हैं और इस पोस्ट पर आर्मी बैकग्राउंड के किसी अफसर की नियुक्ति इसी वजह से की गई थी ताकि पूरे सिस्टम को फुल प्रूफ बनाया जाए और जिस तरह से बता रहे हैं आलोक राज कि कई सारे कदम उठाए गए हैं और आने वाले दिनों में जो चवालीस हज़ार भर्तियाँ होनी हैं इकतीस अलग अलग परीक्षाओं में उनमें युवाओं को आश्वस्त कर रहे हैं कि इस बार पेपर लीक जैसी कोई घटना राजस्थान में नहीं होने दी जाएगी इसके लिए उचित समुचित सारे प्रबंध किए जा रहे हैं कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक एनडीटीवी